क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीडेंटल गाड़ियां दिखाकर करेगी टूरिस्ट का स्वागत? क्या इससे टूरिज्म में नहीं पड़ेगा नेगेटिव इंपैक्ट? आखिर इन गाड़ियों को क्यों नहीं हटाया जा रहा? दोस्तों, इस सब पे बात करने से पहले आप इस वीडियो को देखें। ये वीडियो साफ कर देती है किस तरह डोडा की सड़कों पे ये स्क्रैप गाड़ियों का ढेर लगा हुआ है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या कुछ कर रही है, वो बात किसी से छुपी नहीं है और ना छुपेगी। आज हर कुछ आया है। खैर, मान लेते हैं कि डोडा एडमिनिस्ट्रेशन जो है टूरिज्म को यहां लाना चाहती है, वो चाहती है कि यहां पे टूरिस्ट आए। लेकिन यहां टूरिस्ट आएगा क्यों, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या आपको लगता है कि टूरिस्ट लाखों का खर्चा करके ये सब देखने आएगा? बेशक डोडा में खूबसूरती की कोई कमी नहीं, लेकिन कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। नाश्ती टनल क्रॉस करते ही जब ही वो डिस्ट्रिक्ट डोडा में एंटर होता है, या यूं कहिए कि चिनाब वैली में एंटर होता है, तो एक्सीडेंटल गाड़ियां देख देख के एक टूरिस्ट के दिमाग में एक खौफनाक तस्वीर बन जाती है। पहले ही चिनाब ने पूरी दुनिया में अपनी लामहदूद गहराई से खौफ बनाया हुआ है। उसके बाद हाईवे पे इन एक्सीडेंटल गाड़ियों का होना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का इस तरह टूरिस्ट का इस्तकबाल करना, मुझे तो यूं लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा चाहती है कि एक टूरिस्ट यहां से हमारे डोडा की एक नेगेटिव इमेज लेके अपने वहां जाए। ऑलरेडी हमारी रोड्स इतनी खस्ता हो चुकी हैं, अब हम यहाँ के लोगों को आदत पड़ चुकी है इन झटके खाने की। लेकिन जो टूरिस्ट 4 लेन या 6 लेन पे सफ़र करने वाला है, क्या आपको लगता है कि वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डोडा में लाखों का खर्चा करके जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम ऐसा इस्तकबाल करेंगे, अगर हम उसको ऐसा एक्सपीरियंस देंगे यहाँ से वापस जाने के बाद, मुझे नहीं लगता कि वो अपने किसी भी रिलेटिव या किसी भी फ्रेंड को यहाँ आने की सलाह देगा। मेरी ये बात बिलाशक बोलने में बहुत छोटी है, लेकिन जब आप इस पे गौर करेंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि ये बात छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी है। इससे हमारे डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हम पहले भी कुछ टाइम पहले SSP साहब से मिले थे, हमने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो स्क्रैप है, ये एक्सीडेंटल गाड़ियां हैं, इनको यहाँ से जल्द अज जल्द हटाया जाए, क्योंकि आगे से जो है टूरिज्म का वो एक सीज़न शुरू होने वाला है, टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे। हम नहीं चाहते कि वो यहाँ आए और उन्हें एक नेगेटिव तस्वीर हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा की मिले। लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर कोई नज़रसानी नहीं की। हम फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, प्लीज़ इस पर जल्द अज जल्द कोई एक्शन लिया जाए, इन तमाम एक्सीडेंटल गाड़ियों को यहाँ से हटाया जाए। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि इस चीज़ से हमारे यहाँ टूरिज्म में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? आप सबकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।